हेलो स्टूडेंट। तो आज IAST का जो 10th राउंड है वो रिलीज कर दिया गया सक्सेसफुली 12 नवंबर को। आज तो यार कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्या क्या कट ऑफ रहा। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी, भैया हमारी इतनी वेटिंग में चल रहे हैं, 500 वेटिंग में चल रहे हैं हम, 200 वेटिंग में चल रहे हैं, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ओके स्टूडेंट, तो यार जो जो कि राउंड से कंपेयर किया, पहले वाले राउंड से जैसे कि कंपेयर किया गया, तो ये जो 10th राउंड है और जो 9th राउंड था उसके बीच में जैसे मैंने बच्चों के देखे हैं, मार्क्स देखे हैं, कॉल किया या फिर मैंने जिन बच्चों की काउंसलिंग की है, तो एटलीस्ट यार 16 मान सकते हो। एक बच्चे के 16 गया था और वैसे किसी का 8 गया था, किसी का 7 गया था, ओके, और 12 भी गया था। जो भी डिफरेंसेस आए थे, जैसे किसी बच्चा बच्चा की रैंक 450 थी तो उसकी किसी की 6 कम हो गई, 444 हो गई, किसी का 150 था, किसी का 140 आ गया डायरेक्टली, ओके। तो सबसे ज्यादा डिमांड कोर्स जो चल रहा है एरोस्पेस चल रहा है, देन उसके बाद ड्यूअल डिग्री, देन उसके बाद अवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये सारे ऑप्शन चल रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा हाई डिमांड जो एरोस्पेस की है। अब यार बात कर लेते हैं जो भी बच्चे वेटिंग में चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, भैया हमारी जनरल रैंक IAST में 1000 है, EWS रैंक हमारी 150 है, हम 100 नंबर वेटिंग में चल रहे हैं, हम 150 नंबर वेटिंग में चल रहे हैं। तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे अभी तक ये 10वां राउंड आया है, अभी रीवैलिडेशन भी होगा। तो जिन बच्चों की रैंक एटलीस्ट 300 चल रही है या फिर 400, 450 चल रही है, जैसे ही रीवैलिडेशन होता है, रीवैलिडेशन के अंदर उनकी मान सकते हो 150 से 160 रैंक कम हो जाएगी और वो डायरेक्टली 150 से 160 नीचे आ जाएंगे रैंक के अंदर। तो यार थोड़ा सा तो सुकून मिलेगा, लेकिन भैया यहाँ पे तो 60 सीटें, 30 सीटें, 90 सीटें, इतनी सीटें हमारी तो 200 वेटिंग में है या फिर हम 100 वेटिंग में। अगर पहले वाले 100 को सीट मिल जाती है तो मेरा तो मतलब चांसेस ही नहीं लग रहे, ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वारीज हैं। तो यार ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वैसे स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट होने वाला है IAST का, कि हमेशा ही होता है, ओके, जो कि दिसंबर के अंदर होगा। तो बहुत सारे बच्चे इस सामंजस्य की सिचुएशन के अंदर है कि भैया चौसा तो एटलीस्ट CSA भी खत्म हो जाएगा दिसंबर के अंदर, तो फिर क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस वाले सारे के सारे पोर्टल बंद कर रहे हैं, बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं कि भैया फीस पे करो वरना हम मतलब सीट नहीं बचेगी, हमारे पास सीट हम नहीं दे पाएंगे, अगर तुमको सीट चाहिए तो फीस पे करो। जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेज है, जैसे वेलोर है, पारुल है, VIT है, अमिटी है, ये हंसराज है, और जो भी बड़े बड़े कॉलेजेज है, सर्वज्ञान है ये, ओके स्टूडेंट। तो यार बच्चों पे प्रेशर्स बना रहे हैं कि भैया अपनी फीस पे करो, फीस पे करो अगर तुमको सीट चाहिए तो, वरना फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस लो। अगर तुम एडमिशन नहीं लेना और अपना एक कॉलेज सिक्योर करना चाहते हो, अगर तुमने जैसे IAST में लेना है, IIT में लेना है, तो यहाँ पे तो या तो कैंसिल करो या फिर फीस पे करो ताकि हम दूसरे बच्चों को भी जगह दे सकें। वैसे यार उनकी भी बात सही है, तुम्हारा मतलब यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ पे नहीं कर रहे, एडमिशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्टेट कॉलेजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे तेलंगाना का, उस्मानिया वगैरह जो भी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चों को यार जोसा में सीट मिला हुआ है, सोच रहे हैं कि 5वें राउंड तक अगर मिल जाए IAST में तो विड्रॉल करवा ले वहां से इजीली। तो ये भी बहुत सारे बच्चों की क्वारी जा रही थी। तो यार एटलीस्ट 400-500 वेटिंग में चल रहे हो तब तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, और एंड मोमेंट तक लड़ना है, स्पोर्ट राउंड तक लड़ना है। जिन बच्चों को हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है यार, स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग कट ऑफ क्या, कितना नीचे जाता है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए यार गूगल फॉर्म दिया गया, उस पर जाके अपनी डिटेल फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर एडमिशन हम नहीं करवा पाते हैं तो पूरा रिफंड करते हैं, एक भी पैसा हम तुमसे नहीं लेते, लेकिन हाँ अगर तुमको हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर 1 नंबर पे, उस पर जाके अपनी सारी की सारी डिटेल फिल कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर। यार मतलब तुम्हारी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हो तो घबराने की कोई जरूरत तो नहीं है, और हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो, हम भी यही ट्राई करते हैं 100% की बच्चों का एडमिशन करा पाए, चाहे वो स्पॉट राउंड हो चाहे ये राउंड हो। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, वो कुछ भी दबा देते हैं, सीट विड्रॉ हो जाता है। तो ऐसी भी आपकी सिचुएशन ना हो
बिल्कुल, या तो फिर आप किसी साइबर कैफे में या फिर किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि आईआईएसटी आईआईटी दिस इज नॉट एन नॉर्मल एडमिशन, ठीक है। इसके एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों को तपना पड़ता है, तब जाके कोई ये सिचुएशन बनती है। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा। और जिन बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों का ध्यान रखे इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सीरियस मोमेंट। बच्चे इस मोमेंट पर कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक उनकी मतलब एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आईआईटी में नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट लाइक उनकी मतलब सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। तो अपने बच्चों का इस मोमेंट पर बहुत सारे पेरेंट्स ध्यान रखें और बच्चे अवेयर रहें यार, एडमिशन दिस इज एडमिशन से वैसे होता कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी हो रहा है किसी का तो वो मतलब पढ़ाई ना छोड़े और पढ़ाई करते रहें, लास्ट मोमेंट तक लड़े, ठीक है, एडमिशन जरूर होगा तुम्हारा, यही मैं आशा करता हूँ। ओके, थैंक यू।